दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। होशियारपुर के करतार नगर इलाके में बीती रात आपसी रंजिश के चलते प्राइवेट फाइनेंसर के घर पर गोलियां बरसाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राइवेट फाइनेंसर राकेश सोडी के साथ ही काम करने वाले एक वर्कर ने पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए राकेश सोडी ने बताया कि बीते दिनों उसके साथ काम करने वाले वर्कर के साथ उसका विवाद हुआ था। उसी रंजिश के चलते बीती रात उसने घर के बाहर आकर गोलियां बरसाई व बाहर खड़े मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया। इस बारे में डीएसपी सतीश शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान घटनास्थल से 32 बोर की गोली का एक खोल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 30 तारीख नु ऐतवार दे दिन सीगा, मैं अपने घर सीगा। ए दिलवाग सिंह बागी मेरे भरा दे कोल राकेश कुमार कोल फाइनेंस दा काम करदा सीगा। ए ओदे मुंडे नु मारन आए सीगे, पर इन्हां ने ओ मिलिया नहीं, ओ किते गया होया सीगा। ते इन्हां ने मैनू अंदरों कमरे चो कढ के बेड़े च पड़िया। पाल सीगा इहदा भरा ते नाल बागी सीगा, नाल 10-12 बंदे होर सीगे। SHO साहब नू कहा भी सीगा कि सानू खतरा वा, ते 8:30 बजे ये साडे घर दे मूहरे फिर कोई मोटरसाइकिल चक के लग्या वा, ते सामने महल्ले दे विच फायर फूर कीते आ। 9 बजे मैनू इनफॉर्मेशन टैलीफोन ते डॉक्टर रमन के जी ने दस्या कि उत्थे कोई 2 फायर होए आ। मैं ते टाइम अपने साडे पूरी रां जिहड़े हैगे आ चौकीदार इंचार्ज हो ते थाने तों मैं डिप्यूट कीते पुलिस पार्टी ते ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਕੂਰੈਂਸ ਵੇਖਿਆ। ਐਕੂਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 315 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਟੋਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। हाँ, वो दिलवाग सिंह बागी हैगा, थारे ने दस्सिया कोई दिलवाग सिंह बागी है, तो वह अं वेरीफाई कर रहे हैं सारा। तो अकूरेंस का केस ऑलरेडी अं रजिस्टर्ड होया साडे कोल।